एक बड़ी जानकारी के साथ बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया गया है और 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ है। आज सुबह से इंतजार किया जा रहा था परीक्षा परिणाम को, 81.65% रहा है 12वीं का रिजल्ट। और एक दफा फिर से लड़कियों ने मारी बाजी है, इसमें 87.11% लड़कियां पास हुई हैं, 76.43% लड़के पास हुए। और इस तरह से एक बार फिर 12वीं के रिजल्ट में लड़कियां भारी पड़ी हैं लड़कों पर। नैन्सी ने कुल 498 अंक प्राप्त किए हैं, भिवानी के नैन्सी ने टॉप किया है। और परीक्षा के जो परिणाम घोषित किए गए हैं, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खुद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन वीपी यादव जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका जनता टीवी पर। आप तक आवाज पहुंच पा रही है सर? हाँ जी, मेरे पास आवाज आ रही है। आज सबसे पहले सर शुभकामनाएं देने चाहेंगे कि आपने इतने कम समय में रिजल्ट जारी किया, चूंकि काफी कठिन समय काम कहीं ना कहीं माना जा रहा था। फरवरी मार्च के दौरान परीक्षाएं हुई और इतना जल्दी एक महीने के अंतराल में ही रिजल्ट जारी कर दिया गया आज। जी, हमारे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का स्टाफ तत्पर कार्य में लगा रहता है जी, और पूरी सर विधिवत रूप से हमने सारी तैयार करके फिर परिणाम को घोषित किया है। इस परिणाम में जैसे बताया गया कि 81.65% जो है विद्यार्थी पास हुए हैं, और साथ में ही जो बेटियां हैं उन्होंने बेटों से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन किया है। 5 जो टॉप पोजीशन है, 3 टॉप पोजीशन में है, उसमें 5 बेटियां हैं। तो एक पहले फर्स्ट पोजीशन पे नैन्सी है, दूसरे पर जसमीन कौर है और तीसरे पोजीशन पर 3 बेटियां हैं। तो इस तरह से जिस परीक्षा परिणाम में बेटियों ने आबाजी मारी है जी। वीपी यादव जी, तो जी अपनी बात पूरी कीजिए सर। नहीं, क्यों नहीं, कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्र के जो विद्यार्थी हैं उन्होंने शहरी क्षेत्र के मुकाबले बेहतर परिणाम दिया है। इस बार ग्रामीण क्षेत्र की जो 5% वो 83.51% रही, जबकि शहरी क्षेत्र में यही 77.70% रही। तो ये भी एक सराहनीय है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले बच्चों ने शहरी क्षेत्र के बच्चों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है। बिल्कुल, लेकिन सर जो 81.65% रिजल्ट रहा है इस दफा 12वीं का, इसे आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, परिणाम तो हमारे जो हमें जैसे उम्मीद थी उसी हिसाब से आया है, और इस बार जो है नकल पे भी पूरी तरह हमने रोक लगाई, और उसके तहत ये हमने देखा कि जो जितने भी ये परीक्षा परिणाम आए ये 100% बच्चों की मेहनत का परिणाम है जी। लेकिन सर जिस तरह से आपने भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्र का रिजल्ट जो है वो बेहतर रहा है शहर के मुकाबले, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? मैं समझता हूँ कि बच्चे जो शहरी क्षेत्र में रहते हैं उनके पास बहुत सारे अट्रैक्शन होते हैं जी, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चे हैं वो अपनी शायद पढ़ाई पे उन्होंने ज्यादा फोकस किया है, इसीलिए जो ग्रामीण क्षेत्र के जो परिणाम है वो शहरी क्षेत्र के मुकाबले बेहतर आए हैं जी। और उम्मीद भी करते हैं कि इस तरह से जैसे आप देखेंगे तो ज्यादातर बच्चियां जो टॉप में आई हैं ये भी बेसिकली छोटे छोटे जो कस्बे हैं वहीं से ही हैं, जैसे शिवानी मंडी से है, और हाँ, और देखे जाए तो जहांगीरपुरी से बच्ची है, उकलाना मंडी से बच्ची हैं। तो ये छोटे छोटे कस्बे हैं, ये ग्रामीण क्षेत्र की तरह ही है, और यहाँ से बच्चों में परिणाम है बेहतर भी है जी। सर एक सवाल था, चूंकि अगर हम पिछले साल के मुकाबले इस साल का रिजल्ट देखें तो कुछ फीसदी की गिरावट जरूर दर्ज की गई, लेकिन आप एक बड़ी बात यह बता रहे हैं कि पूरी तरह से नकल रहित परीक्षा थी और 100% जो बच्चों ने मेहनत की उसी का परिणाम जारी हुआ है, इसे किस तरह देखेंगे? देखिए, ये जो बच्चे इस बार 2023 में आए हैं ये वो बच्चे हैं जो 2021 में बिना परीक्षा के पास हुए जी, यानी इनका आंकलन जो है उस तरह से नहीं किया गया था जिससे परीक्षा रेगुलर सिस्टम से होती है, और कहीं ना कहीं जाकर उसका एक हल्का फुल्का 5-7% की गिरावट जरूर आती है परिणाम में। और ये मैंने देखा है ऐसा ही जो है 5 point something 12वीं के रिजल्ट में सीबीएसई में भी आई है। तो ये मैं समझता हूँ कि बेसिकली ये
उस कोरोना काल का इंपैक्ट है जो इस साल जो परीक्षाएं 12वीं की दी है जी। और जो नकल को रोकने के प्रयास बोर्ड द्वारा किए गए थे उसको कितना सफल मानते हैं सर आप? मैं समझता हूँ कि नकल रोकने में तो हमने 100% से कामयाबी पाई है जी, क्योंकि पहले बार परीक्षा के अंदर जब हमने केस दर्ज किए और विद्यार्थियों को पकड़ा उसके बाद आगे से एकदम भीड़ गायब हो गई पूरे प्रदेश में, और जो यूएमसी के जो केसेस थे वो भी less than 50% पर आ गए। तो इस तरह से जो है परीक्षा परिणाम बेहतर भी रहा और एक तरह से नकल पर पूर्णतः रोक लग गई है। तो जो भी आप परिणाम देखते हैं ये बच्चों की मेहनत का परिणाम है। सर मेरा एक और सवाल है, जो लगातार हरियाणा सरकार की बात करें या फिर खुद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की बात करें, जो कदम उठाए जा रहे हैं शिक्षा की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए, उसमें किस तरह के परिवर्तन समय में आया है और जिस तरह से आज रिजल्ट जारी किया गया है उसको देखते हुए क्या कुछ आपको लगता है कि अब और बदलाव लाए जाएंगे जिस तरह से सुधार के नजरिए से देखा जाए? तो सुधार के नजरिए से ये है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर जो भी प्रावधान आंकलन के लिए दिए गए हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड उनको लागू करने में सबसे अग्रणी पंक्ति में खड़ा है, और पूरे देश के अंदर अगर कोई किसी तरह से उन जो नियमों को पॉलिसी को लागू करने का काम कर रहा है तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड उसमें मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरह से उसको लागू कर रहे हैं। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है, चाहे वो ट्रांसपेरेंसी लाने की बात है परीक्षा में, और जिस तरह से परीक्षाओं को संचालित किया जाना है वो एक पारदर्शिता के साथ में, उसके अंदर विद्यालय शिक्षा बोर्ड आगे लगा है और नए नए इनोवेशन बोर्ड के अंदर आ रहे हैं। जैसे हमने QR कोड और अल्फा न्यूमेरिक कोड इंट्रोड्यूस करके टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए एकदम नकल को एक झटके में खत्म कर जी। अब वीपी यादव जी, जिस तरह से आपने ये भी कहा शुरू में, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां का रिजल्ट अच्छा आया है, क्योंकि हम अक्सर देखा ये करते थे कि जो ग्रामीण क्षेत्र थे वहां का जो ड्रॉपआउट है वो बहुत ज्यादा होता था और उसका असर कहीं ना कहीं सीधा परिणामों पर दिखाई पड़ता था, लेकिन जो 12वीं का रिजल्ट सामने आया है ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन दिखाता है आने वाले समय के लिए? जी बिल्कुल, आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके परिणाम बेहतर हो जाएंगे जी। एक हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपने जितने भी एफिलिएटेड विद्यालय हैं उनके साथ एक हैंड होल्डिंग यानी उनका मार्गदर्शन करेगा, साथ में खड़ा रहेगा और किस तरह से शिक्षा दी जानी चाहिए विद्यालयों के अंदर और कौन कौन से क्वालिटेटिव मेजर्स उनके अंदर लेने हैं, गुणवत्ता में कैसे सुधार करना है, इसके लिए अपना ट्रेनिंग डिवीजन है उसको एक्टिवेट कर दिया है और हम विद्यालयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बेहतर क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं जी। अब सर कल 10वीं का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा, उसको लेकर क्या तैयारियां और उन तमाम छात्रों को जिन्होंने पास किया है आज 12वीं का जो परिणाम है जो सामने है, उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जिन्होंने पास किया है उनको मैं बधाई देना चाहूंगा, लेकिन साथ में एक बात कहना चाहूंगा कि परीक्षा परिणाम या जो मार्क्स हैं वो मात्र एक तरह का छोटा सा अचीवमेंट है आपके जीवन में सफलता के लिए, ये पूर्णतः सफलता नहीं है। आपको जीवन कौशल डेवलप करने पड़ेंगे, लाइफ स्किल डेवलप करने पड़ेंगे और अंक कम और ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन सफलता के लिए ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। कम नंबर आए उससे हताश या निराश नहीं होना है, जीवन में आप निरंतर मेहनत करते रहें, बिल्कुल सफलता आपके कदम चूमेगी और जिन बच्चों ने जो उत्तीर्ण नहीं कर पाए हैं वो और मेहनत से लगकर इसको आगे पास कर सकते हैं, हमने उनको काफी चांसेस भी दिए हैं। सर जिस जो आपने काफी महत्वपूर्ण बात कही है, चूंकि अंक सब कुछ निर्धारित नहीं करते हैं, इसके बाद भी बहुत सारी परीक्षाएं रहती है जिंदगी की, जीवन की, जिन्हें हमेशा पास करना होता है, उसमें बच्चे कई बार निराश भी होते हैं चूंकि उस तरह के रिजल्ट उन्हें नहीं मिलते जो वो मेहनत करते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो कदम उठाए जा रहे हैं विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जिसमें ना सिर्फ क्वालिटी शिक्षा शामिल है बल्कि अन्य जो बच्चों में सीख होनी चाहिए जो जरूरी है वक्त के हिसाब से, उसमें भी कहीं ना कहीं प्रयास निश्चित तौर पर किए जा रहे हैं हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा। सुन पा रहे हैं? जी जी, देखिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो काम जो कार्य इस पर चल रहा है
वो ये है कि मात्र अंकों के लिए बच्चों को बताया जाए। इस बार हमने अपने वेबसाइट के ऊपर पूरा का पूरा मार्गदर्शन कर दिया है विद्यालयों का, यानी जो हमारी मार्किंग स्कीम्स, सैंपल पेपर्स, क्यूरिकुलम डॉक्यूमेंट्स, हर चीज हमने डाल दी है 12th और 10th के दोनों। तो विद्यालय, ये पहली बार ऐसे शिक्षा बोर्ड के इतिहास में ऐसा हुआ है कि सारा का सारा मार्गदर्शन अप्रैल में ही आपको दे दिया गया है। अब उसके अनुरूप वो काम करेंगे, विद्यार्थी हैं जो अच्छे अंक भी प्राप्त करते हैं, सारा ट्रांसपेरेंसी आ गई है, साथ में ही जो ओवरऑल डेवलपमेंट का जो काम है उसके लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपने सभी एफिलिएटेड स्कूल का मार्गदर्शन करेगा और उसके लिए हमने काम शुरू कर दिया है। हमारे 150 के करीब रिसोर्स पर्सन तैयार हैं जो उसका मसौदा तैयार करके अब बहुत ही जल्दी वेबसाइट पे डल जाएगा। जी बिल्कुल सर, एक और मेरा आखिरी सवाल, कल 10वीं का रिजल्ट भी जारी किया जाएगा, इसको लेकर क्या तैयारियां और क्या उम्मीदें बच्चे लगाए बैठे हैं? नहीं, उसके लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी है। कल 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और तुरंत उसके बाद रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। जैसा भी रिजल्ट होगा रूबरू होकर प्रेस को उसके बारे में ब्रीफ कर दिया जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर वीपी यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन वीपी यादव जी हमारे साथ जुड़े और खास बातचीत में उन्होंने बताया किस तरह से आज का रिजल्ट रहा है, नकल रहित परीक्षाएं हुई थी और जो परिणाम सामने आया वो पूरी तरह से बच्चों की मेहनत के आधार पर ही तैयार हुआ है, नकल रहित हुई थी और चूंकि कोरोना का काफी ज्यादा असर पड़ रहा है इस वजह से भी कुछ परसेंटेज की गिरावट जरूर दर्ज की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो रिजल्ट है वो काफी बेहतर है और जो लड़कियां हैं उन्होंने एक बार फिर से बाजी मार ली है 12वीं के परिणामों में। जिस तरह से आपको बता रहे हैं टॉप में तमाम लड़कियां शामिल हैं, भिवानी की नैन्सी ने टॉप किया है हरियाणा की जो 12वीं की परीक्षाएं जो घोषित की गई हैं अब से कुछ देर पहले, और हमारे साथ जुड़े वीपी यादव जी जिन्होंने बताया कि किस तरह से बच्चों का मार्गदर्शन बेहतर तरीके से हो, न सिर्फ अंकों के आधार पर बल्कि जीवन में किस तरह से सुधार लाया जाए और स्कूल के बाद की जो लाइफ है उसमें किस तरह से और भी क्वालिटी को बढ़ाया जाए, बच्चों का भविष्य इससे सुंदर हो सके, अच्छा बन सके, उन तमाम प्रयासों को हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा उठाया जा रहा है और उसी का असर है कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें इस दफा रिजल्ट काफी ज्यादा बेहतर रहा है शहर के मुकाबले, खुद वीपी यादव जी ने कहा और ये काफी ज्यादा कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन है आने वाले समय के लिए भी। 12वीं कक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ है, झज्जर जिले के कनुज को मिला है 3रा स्थान, रोहतक की मानसी सैनी को भी 3रा स्थान हासिल हुआ, उकलाना मंडी की प्रिया भी 3रे स्थान पर रही हैं।